दिल्ली जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर क्या होगा। हाँ, ब्लैक। थैंक गॉड मैंने पहले से ही ब्लैक पहना है, इसलिए अब मुझे चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए तुम्हें उसका फेवरेट कलर पहनना है। यस मॉम, मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर ब्लैक है और मैंने ऑलरेडी ब्लैक पहना हुआ है। ओके बेटा, तुम जल्दी से कॉलेज जाओ, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। ओके मॉम, बाय। मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर ग्रीन है और मेरे वाले का रेड। हे गाइस, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा जिसने ब्लैक कलर पहना हो? आई थिंक नहीं, लेकिन तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? यूजुअली तुम्हारे सोलमेट ने भी वही कलर पहना होगा। मुझे भी मेरे सोलमेट की तरह ब्लैक कलर ही पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ब्लैक कलर पहना हो। थोड़ा सब्र रखो, क्या पता तुम्हारा सोलमेट कॉलेज में हो ही ना। क्लास, किस किसने अभी तक अपना सोलमेट नहीं ढूंढा? और अगर कोई बिना सोलमेट के कल कॉलेज आएगा तो उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, कॉलेज से बाहर निकाल दोगे? यस, क्योंकि हमारे कॉलेज में किसी भी सिंगल पर्सन को अलाउड नहीं किया जाएगा, सबको अपना सोलमेट ढूंढना पड़ेगा। ओके मैम। जी हाँ, यू नो व्हाट, प्रिंस को अभी तक उनकी सोलमेट नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने रात को एक इवेंट होस्ट किया और ड्रेस कोड है ब्लैक। हाँ ब्लैक। यस, और अगर तुम्हें जाना हो तो तुम शाम को 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना। ओके। ओ माय गॉड, मैं जरूर जाऊंगी। क्या पता मैं ही हूँ प्रिंस की सोलमेट। क्या पता क्या, मैं ही प्रिंस की सोलमेट होंगी, क्योंकि मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर ब्लैक है। वाओ, ये पैलेस बाहर से कितना बड़ा है तो अंदर से भी बहुत बड़ा होगा। जल्दी से अंदर जाती हूँ। ए लड़की, ये क्या मुंह उठाकर अंदर भाग रही हो, कौन हो तुम? मैं अंदर जा रही हूँ, प्रिंस ने सभी लड़कियों को इनवाइट किया है ना, क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी सोलमेट नहीं मिली। लेकिन तुम उनकी सोलमेट नहीं हो सकती, तुम कितनी अगली हो। हाँ, एक गार्ड होकर मुझे अगली बोल रहे हो? देखना, जब मैं प्रिंसेस बनूंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें जॉब से बाहर करूंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर ब्लैक है, यू गार्ड। वाओ, ये पैलेस अंदर से कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। वेट, यहाँ तो सभी लड़कियों ने ब्लैक ड्रेस पहनी है। अरे हाँ, यहाँ का तो ड्रेस कोड ही ब्लैक है, लेकिन इनमें से प्रिंस को कैसे पता चलेगा कि उनकी रियल सोलमेट मैं हूँ? प्रिंस अभी तक नहीं आए। हाँ कनिष्का, तुम यहाँ? तेरे सोलमेट का फेवरेट कलर तो ग्रीन है ना, तो तू ब्लैक पहनकर यहाँ क्या करने आई है? नथिंग यार, बस पैलेस में घूमने के लिए मैं ब्लैक पहनकर यहाँ आ गई। ओके, लेकिन इनमें से प्रिंस को कैसे पता चलेगा कि उनके सोलमेट कौन है? आई डोंट नो। लेकिन प्रिंस अभी तक आए क्यों नहीं? ओ माय गॉड, प्रिंस आ गए। प्रिंस आ गए। हेलो गर्ल्स। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है? आई मीन इनको। क्या, शायद तूने किसी और को देख लिया होगा। हाय प्रिंस। हाय प्रिंस। प्रिंस मैं हूँ आपकी सोलमेट, देखो मैंने ब्लैक कलर पहना है। नहीं प्रिंस, मैं आपकी सोलमेट हूँ, मैंने ब्लैक कलर पहना है। प्रिंस मैं हूँ आपकी रियल सोलमेट, क्योंकि मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर ब्लैक है। ओह माय गॉड डैड, इतनी सारी गर्ल्स एंड गर्ल्स, रिलैक्स, मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा कि मेरी सोलमेट कौन है। प्रिंस कैसे डिसाइड करेंगे कि उनकी सोलमेट कौन है? सभी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाओ। ओके गर्ल्स, आप सबको ये मेडिसिन पीनी है, और जो सच में मेरा सोलमेट होगा उसका पता चल जाएगा, और जो झूठ बोल रही होगी उसकी स्किन जल जाएगी। व्हाट, स्किन जल जाएगी? ओह माय गॉड। हाँ स्किन जल जाएगी, लेकिन मुझे डरने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है प्रिंस मेरा सोलमेट है। ओके गर्ल्स, सब लोग अपनी मेडिसिन पियो। ओह माय गॉड, मैं नहीं पीने वाली, भागो यहाँ से। वाओ, मैंने मेडिसिन ले ली और मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं ही हूँ आपकी रियल सोलमेट। वाओ। मुझे तो पहले से पता था कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। हाँ, आपको पता था, लेकिन कैसे? क्योंकि बाहर तुमसे जो गार्ड मिला था वो मैं ही था। हाँ, वो गार्ड आप थे, तभी मैं सोचूं कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको जॉब से निकालने की बात कही। मैं गार्ड इसलिए बना था क्योंकि मैं अपने सोलमेट के नेचर को पहचान रहा था। तो वो मेडिसिन का क्या मतलब था? क्योंकि गार्ड बनने के बाद भी मुझे अपने सोलमेट के बारे में ढंग से पता नहीं चला, इसलिए मैंने फेक मेडिसिन का यूज किया। उस मेडिसिन से ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर जीनियस। तभी तो मैं प्रिंस हूँ। सो विल यू मैरी मी? मुझे पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, एंड आपको कल मेरे साथ कॉलेज में चलना होगा, नहीं तो वो मुझे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। ओके, मैं कल तुम्हारे साथ कॉलेज में जरूर चलूंगा। ओके बाय प्रिंस। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।